और मोबाइल के लिए आप इस वीडियो पे आए हैं, जब भी आप इसमें देख करके अपना सॉफ्टवेयर अपडेट कर सकते हैं। सॉफ्टवेयर अपडेट का फ़ायदा ये होता है कि जो बग्स होते हैं वो हट जाते हैं, जो दिक्कतें होती हैं वो ख़त्म हो जाती हैं, और साथ में कुछ नए फीचर ऐड हो जाते हैं। तो चलिए फटाफट से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो चलिए यहाँ पर सॉफ्टवेयर अपडेट करने के लिए करना क्या होगा कि आपको चले जाना होगा सेटिंग में, और सेटिंग में जाने के बाद आपको यहाँ पे ऊपर में अबाउट फ़ोन का ऑप्शन दिखता है, और इसके नीचे आपका सिस्टम ऐप अपडेटर दिखता है, तो आपको ना यहाँ पे क्लिक करना है। ये वाला नहीं होता है आपका, इसके बारे में अगली वीडियो में बताऊँगा। अबाउट फ़ोन पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे सिस्टम अपडेट करके आ रखा है, इस पर आपको क्लिक करना है। अब इंतज़ार करना है आराम से। अब आप देख सकते हो कि MIUI 11 है मेरे फ़ोन में पहले से, और यहाँ पे अपडेट अवेलेबल है 237 MB का, ठीक है। और यहाँ पे कुछ इन्फॉर्मेशन दी जाती है, तो इससे मतलब नहीं है। यहाँ पे डाउनलोड अपडेट पे क्लिक करना है आपको। जैसे ही डाउनलोड अपडेट पे क्लिक करोगे, आप देख सकते हो कि यहाँ पे मेरी डाउनलोडिंग स्टार्ट हो गई है। ओके, तो दोस्तों देख सकते हैं कि यहाँ पे हमारी डाउनलोडिंग कंप्लीट हो चुकी है। अब देखिए यहाँ पे रिबूट नाउ का ऑप्शन आता है, तो आपको रिबूट नाउ पे क्लिक कर देना है। ओके, तो मैं रिबूट नाउ पे क्लिक कर देता हूँ। अब जैसे मैं क्लिक करूँगा, हमारा मोबाइल यहाँ पे रिबूट होके स्टार्ट होना शुरू हो जाएगा, और मेरा यहाँ पे सॉफ्टवेयर अपडेट होना शुरू हो जाएगा। याद रखिएगा कि आपके मोबाइल में 30% का मिनिमम चार्ज होना चाहिए। अब आपको कुछ भी नहीं करना है, बस वेट करना है। तो मैं वेट कर लेता हूँ। तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा अपडेटिंग MIUI, डोंट टर्न ऑफ योर डिवाइस। तो अभी आपको मोबाइल के साथ कुछ भी नहीं करना है, ना ही टर्न ऑफ करना है, ना ही कोई छेड़खानी करनी है। और दोस्तों इसी तरह की वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में बेल नोटिफिकेशन के आइकन को भी दबा लीजिएगा। और रेडमी का कोई और फ़ोन यूज करते हैं या किसी भी ब्रांड का आप फ़ोन इस्तेमाल करते हैं, तो आप चैनल पर विजिट करके उसके प्लेलिस्ट में जाकर उससे रिलेटेड वीडियोज़ को आप देख सकते हैं। तो दोस्तों देख सकते हैं कि यहाँ पे हमारा 99.9% हो चुका है, और होने के बाद कुछ समय और लगता है। तो दोस्तों देख सकते हैं कि हमारा MIUI अपडेट हो चुका है। यहाँ पे अपडेटेड MIUI सक्सेसफुली, तो हम इस पर टाइप कर लेते हैं और टाइप करके देख लेते हैं। तो यहाँ पे मैं बैक कर लूँगा और एक बार वापस से चला जाऊँगा सेटिंग में, और सेटिंग में जाने के बाद यहाँ पे चले जाएंगे और फिर सिस्टम अपडेट पे चले जाते हैं और देख लेते हैं। तो आप देख सकते हैं कि अभी कोई भी अपडेट अवेलेबल नहीं है, और यहाँ पे MIUI 11.0.4.0 हमारा आ चुका है। और एक चीज़ और बताना चाहूँगा कि जैसे कि Redmi Note 9 में जब आप करते हो तो आपको MIUI 12 मिल जाता है, और इसमें आपको क्यों नहीं मिला, तो देखो वो मोबाइल टू मोबाइल वेरी करता है। तो इसी तरह से आपको रेगुलर यहाँ पे अपडेट चेक करना है, और जब भी आपका यहाँ पे कोई MIUI 11 या फिर कोई और यहाँ पे अवेलेबल होता है तो आपको अपडेट कर लेना चाहिए। तो इस तरह से आप अपने मोबाइल का सॉफ्टवेयर अपडेट कर सकते हो। तो आई होप गाइज की वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा होगा तो यार लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।